मथुरा से खबर है जहां पर मंडल रेल प्रबंधक आगरा ने आगामी मुंडिया पूर्णिमा मेला को देखते हुए गोवर्धन स्टेशन और मथुरा जंक्शन स्टेशन का निरीक्षण किया है। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल द्वारा आगामी मुंडिया मेला को देखते हुए रेल अधिकारियों के साथ गोवर्धन स्टेशन का जायजा लिया, मथुरा जंक्शन स्टेशन का निरीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अपने निरीक्षण की शुरुआत आगरा से विंडो ट्रेलिंग माध्यम से की गई। इस दौरान उन्होंने मार्ग में आने वाले रेल पथ और उसके आसपास की इंस्टॉलेशंस जैसे सिग्नल OHE प्लेटफॉर्म पर सफाई आदि भी देखी है। जैसा आप लोगों को पता है कि 21 तारीख को मुंडिया पूर्णिमा पड़ रही है, तो इस अवसर पर मथुरा में काफ़ी श्रद्धालुओं का आगमन होता है जो गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आते हैं। तो जैसा कि हमको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पता चला है कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होगा इस मुंडिया पूर्णिमा मेले को लेकर के। तो उसी संबंध में हम लोग अपनी तैयारियाँ रेलवे के ट्रेन ऑपरेशन से संबंधित या सिक्योरिटी से संबंधित सारी तैयारी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। इस अवसर पर हम लोग कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाएंगे, कुछ हमारी ट्रेनें चल रही हैं उनका हम रूट एक्सटेंड करेंगे। उसके अलावा RPF तथा GRP के एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज को भी बुलाया जाएगा ताकि क्राउड मैनेजमेंट हमारा स्टेशन प्रमाइसेज में तथा स्टेशन के आसपास के सर्कुलेटिंग एरिया में ठीक रहे। एडिशनल हम लोग काउंटर्स भी खोलेंगे टिकट के लिए ताकि यात्रियों को टिकट लेने में सुविधा ना हो। उसके अलावा कुछ मेडिकल की फैसिलिटी भी हमारे राउंड द क्लॉक डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे तथा पैसेंजर की सुविधा के लिए हम लोग मेला शेड का भी इंस्टॉल करेंगे और जो हमारा सेकंड एंट्री पर एक मेला शेड है उसको भी ठीक ठाक करेंगे। तो इसी सब तैयारियों को लेकर के हम लोग मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।